बड़का गांव के नापो खुर्द गांव में 27 सितंबर को रात्रि लगभग 10 बजे एक नव विवाहिता 20 वर्षीय पूजा कुमारी पति शशि कुमार साव ग्राम नापो खुर्द निवासी को उसके ही ससुराल वालों ने दहेज न मिलने के कारण षड्यंत्र कर मारपीट कर बेहोश करने और फिर अत्याधुनिक हथियार से गोली मारकर हत्या कर देने का आरोप लगाया गया है। उक्त मामले को लेकर मृतिका पूजा कुमारी के पिता रिंकू साव ने बड़का गांव थाने में आवेदन देकर आरोप पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आवेदन में 5 नामजद व अन्य अज्ञात पर पूजा को गोली मारकर हत्या कर देने का गंभीर आरोप लगाया गया है, जिसमें पूजा कुमारी के 23 वर्षीय पति शशि कुमार, पिता बिंदेश साव, मां हीरा देवी, भाई विक्रम कुमार सभी नापो खुर्द निवासी हैं। वहीं एक अन्य गंगा दोहर निवासी परवीन महतो का नाम आवेदन में है। आवेदन में ससुराल वालों के द्वारा 6 लाख रुपए दहेज के रूप में मांगे जाने का भी आरोप लगाया गया है। मृतिका पूजा कुमारी के बेडरूम में खून के धब्बे मिले हैं एवं एक गोली का खोखा भी ग्रामीणों द्वारा बरामद किया गया है, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। बताया जाता है कि 27 सितंबर की रात लगभग 8 बजे पूजा कुमारी गांव में ही हो रहे दुर्गा पूजा में शामिल हुई थी। वहां से वह वापस अपने घर आई और लगभग 10 बजे रात उसके ससुराल वाले ने पूजा को अचानक गंभीर हालत में इलाज के लिए बड़का गांव अस्पताल ले जाया गया, परंतु स्थिति नाजुक होने पर पूजा को हजारीबाग रेफर कर दिया गया। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों ने शव को लेकर उसके ससुराल में रख दिया और हो हंगामा करने लगे, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने घर में तोड़फोड़ और अनाज को तितर बितर कर दिया एवं घर के बाहर कुछ सामग्री में आग भी लगी हुई थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर कागजी कार्रवाई कर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेज दिया। वहीं पूजा कुमारी के पति शशि को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। घटना की सूचना मिली है, इस पर क्या कहेंगे और कहां की घटना क्या घटी? हाँ, बड़का गांव थाना अंतर्गत ग्राम नापो में पूजा कुमारी जो कि पूजा करके दुर्गा पूजा का ही करके पूजा करके घर आई थी और उनके पति द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी हत्या कर दी गई है। पूजा कुमारी के परिजनों द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि उनके पति द्वारा उनकी गोली मारकर हत्या की गई है। इस संबंध में कोई अभी स्पष्ट प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं हुई है, किंतु जांच चल रही है, अनुसंधान के क्रम आने पर उस पर हम लोग परिजनों के द्वारा आवेदन दिया गया है। हाँ, आवेदन दे दीजिए। कैसे ये घटना क्या हुआ? कैसे फोन कर लो दूसर के मोबाइल से, बेटी के नाक मुंह से खून पके था, कैसे वो पता ना अचानक हो गए थे। कहिए कि कहाँ कि ना हॉस्पिटल ले गलो, कहिए हमरे आवे दिलत ली तब हॉस्पिटल वो ले कर कि ना बबुआ यार सस्या ले चल गलो। बस अमीन तकने जाना लिया, तकने से अमीन गोटे फोन कर दिया तो हमारे बेटी के जान घरे ले लेला, छोटो हॉस्पिटल लगला। क्या नाम था बेटी का? पूजा। और ये क्या हुआ इसके साथ? दमदा के ससी नाम ला। का की क्या हुआ घटना इसके साथ? घटना पता ना, घर ने ढुका के तीनों बेगत मिल के मार ले, तून तीनों बेगत दरवाजा बंद करके कोई ना टोला माला ने जान तुन कर अगे मिल गए। हम 10 बजे रात फोन गेलो तब जानल गए, नहीं तो यो कटी ना जाने हमार बेटिया दुर्गा मंडप तीन गेलो लो देखे हमार बेटवा भी देख लो कलो मामी दीदी के देख लियो। आप क्या है ये, आपका नाम? मामी मामी झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।